14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले को आज तक हर कोई याद करता है। आपको बता दें कि इस आतंकी हमले में ज्वाली के तिलक भी शहीद हो गए थे। पुलवामा में शहादत का पूरा एक साल हो चुका है और इस शहादत को देश कभी भी नहीं भुला सकता है। शहीद तिलकराज के घर में मायूसी पसरी हुई है, पूरा एक साल हो चुका है लेकिन अभी तक परिजनों के जख्म नहीं भर पाए हैं। पुलवामा में इस शहीद की शहादत को पूरा एक साल हो चुका है और इस शहादत को देश कभी भी नहीं भुला सकेगा। नमस्कार, मेरा नाम सावित्री देवी है। मेरे पति 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले में शहीद हुए थे। मुझे गर्व है अपने पति पर कि उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दी है। मेरा परिवार आगे भी इसी तरह देश की रक्षा करेगा और मैं चाहती हूं कि अगली पीढ़ी भी सेना में भर्ती हो और इसी तरह देश की रक्षा करे। धन्यवाद।